मंगल भवन य मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मोर कहा सुनि करहु पाई, होई ही ईश्वर करी सहाय। सती जो तजीत चमक देहा, जन्मी जाई ही मा चल गे हा। तिहि तप कीन्ह शंभु पति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। जदपि अहै असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। पठवहु काम जाय शिव पाही, मन माही। तब हम जाई से वही सिर नाई, करवाओ बबि बाहु बरियाई। एहि विधि भले ही देव हित होई, मत अति नीक कहै सब कोई। अस्तुति सुरन कीन्हि अति हेतु, प्रगटि विषम बाण झष के मंगल भवन य मंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी। सुरन कही निज विपति सब, सुनि मन कीन्ह विचार। शंभु विरोध न कुशल मोही, बिहसि कहे उस मार। मंगल भवन जपत पुरारी, तदपि करब मैं काज तुम्हारा। श्रुति कह परम धर्म उपकारा, पर हित लागित जई जो दे। संतत संत प्रसन्न सही ते, अस कही चले उस वही सिरु नाई। सुमन धनुष कर सहित सहाय, श्रुति से तो। ब्रह्माचर्य व्रत संजम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटक सब भागा। मंगल भवन य मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जे सजीव जग अचर चरा, नारी पुरुष असनाम। ते निज निज मर जाद तजी, भये सकल बस काम। मंगल भवन य मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अर्थात मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो,
वह शिव जी के मन में शोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे, तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो, और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम यानी 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यों कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है, तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। यों कहे और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंतादि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पार्वती की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचारादि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।